की बिहार सरकार में नई भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है। कल कैबिनेट में मीटिंग हुई थी, जो की बैठक हुई थी मंगलवार को, तो उसी में ये फैसला लिए गए हैं। और कौन सी भर्ती है उसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश रहेगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें रख लीजिए, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट भर्ती के संबंधित अपडेट जल्दी से मिलते रहेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने यह फैसला, ये टर्मिनल के हेडलाइन में आपने जरूर देखी होगी। और जिस भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं वो है स्वास्थ्य विभाग। जी हां दोस्तों, टोटल 2141 पदों पे भर्ती निकाली जाएगी, जिसमें 5 मेडिकल कॉलेजों के लिए 1800 सिविल पदों का भी सृजन हुआ है। यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हैं, पूरी यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अलग अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 34 पद है यहाँ पे, और यहाँ पे 21 पद है, और यहाँ पे टोटल 111 पद है जो कि अलग अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में। अगर ये पीडीएफ आप ये पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल आज का न्यूज़पेपर देख सकते हैं, उसके अंदर ये न्यूज मिल जाएगी। और न्यूज़पेपर है जो कि लाइव हिंदुस्तान, उसके अंदर आपको ये जानकारी सारी मिल जाएगी। तो ये छोटा सा अपडेट देना था स्वास्थ्य विभाग की भर्ती के ऊपर। जल्दी इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा, जैसे हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो ये छोटा सा अपडेट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपको कोई भी सवाल सुझाव कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट जानकारी जल्दी से मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं इस अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।